तो दोस्तों इस बार वीडियो थोड़ी डिफरेंट है कि मेरे पास कैमरा नहीं था और फाइनली मैंने कुछ पैसे सेव करके अपने लिए कैमरा परचेज किया है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल माजिद बैकपैकर और मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस वीज़ा से रिलेटेड और ट्रैवलिंग से रिलेटेड बनाता रहता हूं। तो दोस्तों इस बार वीडियो थोड़ी डिफरेंट है कि मेरे पास कैमरा नहीं था और फाइनली मैंने कुछ पैसे सेव करके अपने लिए कैमरा परचेज़ किया है। तो मैं इस कैमरे का रिव्यू देने वाला हूँ। मुझे इतने ज़्यादा कैमराज के बारे में नॉलेज तो नहीं है, पर मैं दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा कैमरा परचेज़ किया है, उसके अंदर क्या क्या ऐसी सीरीज़ है और ये कैमरा कितने का है। पहले आप लोग देखें कि मैंने कैमरा कौन सा परचेज़ किया है और उसके बाद मैं बताता हूँ ये मैंने कितने का परचेज़ किया। दोस्तों ये कैमरा है कैनन का 60D, ये मैंने परचेज़ किया है और इसके साथ क्या क्या ऐसी सीरीज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये कैनन का कैमरा है, मुझे कैमरास के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन बिगिनर लेवल के लिए सही है। इसके साथ मैंने ये लेंस परचेज़ किया है जो कि मेरे बजट में भी आ गया है, फिर आगे इंशाल्लाह देखेंगे। इसके साथ ये चार्जर है, इसका एक बैटरी इसके कैमरे के साथ थी, एक मैंने एक्स्ट्रा परचेज़ की है। इसके अलावा ये कैप है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये चार्जर की केबल है, इसके ये मैंने इसको 3 प्लग था और ये मैंने ऊपर इसका परचेस कर लिया क्योंकि मेरे घर में वो 3 प्लग जो था स्विच नहीं था। इसके अलावा एक और केबल है चार्जिंग के लिए। इसके अलावा ये एक केबल है जो कि पीसी से या मोबाइल फ़ोन से आपने कनेक्ट करना हो तो उसके लिए। और ये इसका बॉक्स है 60D। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने एक इसके साथ बोया का माइक भी परचेज़ किया है जो कि ये माइक है इसका, ये फरसा लगा हुआ है। और इसके साथ ये पाउच है, पाउच में ये एक केबल है जो कि मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करती है और ये केबल है जो कि माइक को कैमरा से कनेक्ट करती है। इसके अलावा कार्ड रीडर है, ये माइक्रो एसडी कार्ड का जो जैक होता है वो है और ये मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट करने के लिए है। ठीक है, ये मैंने चीज़ें इसलिए ले ली क्योंकि मेरे पास जो है लैपटॉप नहीं है, एक कार्ड इसके अंदर है जैक के साथ, ये चीज़ें। इसके साथ ये मैंने स्टिक ली है, ये स्टिक मैंने परचेज़ किया है। और ये ऐसी सीरीज हैं ये मैंने लिए हैं, बाकी मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि ये मैंने कितने का परचेज़ किया है। अच्छा, इसकी कैमरे की ख़ास बात ये है, मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसकी स्क्रीन जो है वो रोटेशन है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि अगर मैं फ्रंट से कोई वीडियो बना रहा हूँ या व्लॉग बना रहा हूँ तो ये इसकी स्क्रीन जो है ये बाहर आ जाएगी और मैं इसको रोटेशन करके अपने आप को देख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं वीडियो में आपको डिटेल बताता हूँ। वेलकम बैक दोस्तों तो देखा ये मैंने कैमरा परचेज़ किया है कैनन का 60D। अब ये कैमरा मुझे टोटल कॉस्ट इसकी पड़ी है तमाम चीज़ों को मिला के तकरीबन माइक और कैमरा सब कुछ मिला के मुझे 68,000 का सब कुछ पड़ा है। मतलब 68,000 में मुझे कैमरा, इसकी एसेसरीज़ और माइक, ये सब चीज़ें पड़ी हैं। इसके अलावा मैंने कार्ड अलग से परचेस किया था। तो होपफुली अब वीडियोस जो हैं और बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बहुत जल्दी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।